नमस्कार, स्वागत आप सभी का सिलसिला बाजारों का में, और मैं आप सबके लिए एक बार फिर से हाजिर हूँ यहाँ पे कम्युनिटी बाजार का अपडेट लेकर। जानेंगे कि आज सुबह की कार्रवाई सत्र के अंदर कम्युनिटी बाजार कैसा खुलता हुआ नजर आ रहा है, किस कम्युनिटी के अंदर कितनी मंदी तेजी निकलती हुई नजर आ रही है और उस पर रूपा जी की क्या राय है। देख रहे हैं यहाँ पे कैसे सीट का अक्टूबर वायदा 6170 पर है, 6228 का हाई लगा चुका, आधे फीसदी की करेक्शन है। रूपा जी देख रहे हैं कि आज भी कैसे सीड का वायदा बाजार 6100 के ऊपर सस्टेन होकर चल रहा है। रूपा जी आपको क्या लगता है, क्या ये पूरा कारोबारी सप्ताह कैसे सीड के अंदर 6100 का ही लेवल देखने को मिलेगा? देखिए, जो कैस्टर है अखिलेश, ये एक अब रेंज बाउंड हो चुका है। बाजार जो है यहाँ से ना तो नीचे गिर पा रहे हैं और ना ही उठ पा रहे हैं, लेकिन आज वापस से थोड़ा सा जो नवंबर वायदा में गिरावट देखने को मिल रही है, बाजार ऊपर से प्रेशर दिखाते हुए दिखाई दे रहे हैं। अक्टूबर वायदा में भी आज गिरावट है, तो अभी ऊपर 6000 जो है वो एक अहम सपोर्ट है। 6000 के ऊपर की सस्टेनेबिलिटी अभी मार्केट के अंदर है, तो अभी बाजार जो है नीचे में उठा पटक का माहौल जरूर देखने को मिल सकता है। आज इंट्राडे में गिरावट बढ़ सकती है, जो अभी 6170 के आसपास चल रहा है वो अभी नीचे में हो सकता है आपको 6140 6120 के आसपास जाता हुआ दिखाई दे, लेकिन वहीं जो भी डिप आती है उसमें 6000 के स्टॉप लॉस के साथ इसमें बाइंग रखनी है, निचले स्तरों पर खरीदारी करनी है। इंट्राडे में गिरावट बढ़ सकती है, इंट्राडे में आपको 6080 तक के भी हो सकता है कि लेवल देखने को मिले, तो आपको उन स्तरों का एक बार वेट करना है, उन स्तरों पर बाइंग की जा सकती है। और अगर चाहें तो आप शॉर्ट टर्म में इसमें 50 से 100 पॉइंट के लिए बिकवाली भी करके चल सकते हैं, लेकिन ज्यादा लंबी बिकवाली नहीं करनी चाहिए जी। ये सिर्फ जी देख रहे हैं कि बिनौला खल भी देख रहे हैं कि रेंज बाउंड हो गया रह गया है, आपको क्या लगता है, क्या अगले कारोबारी सप्ताह बिनौला खल में अच्छे लेवल्स देखने को मिल पाएंगे या फिर 2500 का ही सस्टेन होकर चलता रहेगा? ऐसी देखिए, बिनौला कल भी बिल्कुल साइडवेज मोमेंटम में ही है, लेकिन यहाँ पर भी बाइंग रिकमेंडेशन दी जा सकती है, की जा सकती है। बाइंग जो है यहाँ पर आप करके चल सकते हैं, क्योंकि 2400 का लेवल जो है वो एक स्टॉप लॉस है इसका। अगर 2400 ब्रेक होता है तो ज्यादा गिरावट में जा सकता है, अदरवाइज वहां यहीं से बाउंस बैक है। और अभी फिलहाल 2500 के ऊपर सस्टेन है, तो कोई बहुत ज्यादा मंदी की बात नहीं है। नीचे में 2480 तक गिर सकता है, 2480 पर आप बाय कर सकते हैं, 2440 का स्टॉप लॉस लगाइए। इन लेवल्स पर भी फिलहाल बाइंग किया जा सकता है, लेकिन स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा हो जाता है, लेकिन मुझे लगता है कि यहां से सस्टेनेबिलिटी आएगी और 2600 तक ऊपर मार्केट जा सकता है जी। ये सर भाई, बात करें अगर मसाला पैक की, तो देख रहे हैं कि कल की अच्छी तेजी के बाद आज कुछ हल्की सी करेक्शन बनती हुई नजर आ रही है मसाला पैक के अंदर, आपको क्या लगता है, जिस हिसाब से मॉनसून रिएक्टिव हुआ है, तो क्या बारिश भी एक फैक्टर है मसालों की कीमतों में गिरावट का? देखिए, ऊपरी स्तरों पर अभी जो है प्रेशर जरूर बना है, क्योंकि अभी इन लेवल्स के ऊपर देखिए जो बाजार उठे थे वहां से अभी प्रॉफिट बुकिंग भी हावी होती हुई हमने देखी। अक्टूबर वायदा अभी एक्सपायरी भी आनी चालू हो जाएगी, तो नवंबर वायदा में आप देखिए अभी भी 8100 के पास जो है वो ट्रेड होता हुआ दिखाई दे रहा है। 8000 एक अहम सपोर्ट धनिया के अंदर, 8000 के ऊपर बाइंग जो है वो बनी रह सकती है, 8000 के नीचे टूटता है तो 7800 तक नीचे लुढ़क सकता है, लेकिन ओवरऑल ट्रेंड पॉजिटिव है। मुझे लगता है कि ये वाला वीक हो सकता है, थोड़ा बहुत उठा पटक का देखने को मिले, गिरावट देखने को मिले, लेकिन वही गिरावट के अंदर बाइंग जो है वो इनिशिएट होती हुई दिखाई दे सकती है। आगे त्योहारी सीजन की डिमांड निकल सकती है, निर्यात मांग अच्छे खासे हैं, तो आगे सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दे सकता है, फंडामेंटल काफी सपोर्टिव है, तो इसलिए गिरावट पर सभी मसालों के अंदर खरीदारी की रणनीति होनी चाहिए, चाहे वो धनिया हो, जीरा हो या फिर हल्दी, आगे तेजी बनाते हुए दिखाई दे सकते हैं। और मुझे लगता है कि आज इंट्राडे में बिकवाली के अंदर आपको जो गिरावट देखने को मिले उसमें बाइंग करके लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी बनाई जी। रूपा जी, इसे नजर डालें अगर ग्वार कॉम्प्लेक्स की तरफ, तो देख रहे हैं कि ग्वार गम का अक्टूबर वायदा कल को ऊपरी सर्किट लगाता हुआ नजर आया था, देख रहे हैं कि ग्वार गम अभी 10370 पर है, 1.5% की तेजी, और ग्वार सीड का अक्टूबर वायदा भी 6131 पर है, 0.5% की तेजी के साथ। रूपा जी देख रहे हैं कि कल वाली तेजी आज भी देखने को मिल रही है, तो आपको क्या लगता है, क्या कल की तरह भी आज ग्वार के अंदर ऊपरी सर्किट लगते हुए नजर आ पाएंगे? देखिए अखिलेश, हम लगातार बताते आ रहे हैं कि ग्वार के अंदर अभी खरीदारी करें, क्योंकि तेजी का माहौल जो है वो बन सकता है। और एक बार फिर बाजार जो है 10000 के ऊपर निकल चुके हैं, सीड भी 6100 के ऊपर निकल चुकी है, अच्छी खासी रैली, और अभी रैली कॉन्टिन्यूशन में हो सकती है, हो सकता है कि जो पहले हाई लगे थे वो हाई अब ब्रेक होते हुए दिखाई दें, तो फिलहाल तेजी की तरफ है मार्केट, वही रेंज अभी भी इंटैक्ट है, जैसे पहले भी हमने देखा 10000 के ऊपर मार्केट निकला था, फिर नीचे जो है 9800-9600 के स्तर देखने को मिले, तो वो रेंज अभी भी बनी हुई है, लेकिन फिलहाल तेजी है, हर निचले स्तर पर खरीदारी होनी चाहिए, और थोड़ा थोड़ा माल ऊपर जैसे ही प्रॉफिट नया हाई लगता है आपको प्रॉफिट भी बुक करते रहना चाहिए जी। ये सर रूपा जी, बात करें अगर एडिबल ऑयल पैक की, तो देख रहे हैं कि सरसों और रिफाइंड सोया तेल एक रेंज बाउंड में देखने को मिल रहे हैं, अभी 2-3 ट्रेडिंग सेशन से जब से कुछ करेक्शन देखने को मिली है, और बात करें सोयाबीन की, तो वो लगातार लुढ़कता ही जा रहा है, इस समय
सोयाबीन के अंदर 2% की गिरावट बनती हुई नजर आ रही है अक्टूबर वायदे के अंदर। आपको क्या लगता है, क्या सोयाबीन यहाँ से अब 5500-5400 का भी लेवल दिखा पाएगा? देखिए बिल्कुल सोयाबीन में अखिलेश तेजी नहीं है, ना ही रिफाइंड सोयाबीन ऑयल में तेजी है, एक सरसों में तेजी बनती हुई जरूर दिखाई दे रही है, बाकी किसी भी एडिबल ऑयल पैक के अंदर अपसाइड मोमेंटम नहीं है। और अब मुझे लगता है कि एडिबल ऑयल पैक जो है अब इसमें जो भी आपको रिकवरी देखने को मिले वहां पर अपना रखा हुआ माल निकालने की कोशिश ही करनी चाहिए, क्योंकि आगे ट्रेंड जो है वो नेगेटिव बनता हुआ दिखाई दे सकता है, कोई बहुत ज्यादा तेजी की तरफ एडिबल ऑयल पैक नहीं है। तो इसीलिए इसमें बचकर चलें और जो माल रखा है, जो भी आपको बाउंस बैक देखने को मिलता है उसमें धीरे धीरे करके एग्जिट करें। एक सरसों एक ऐसी कमोडिटी दिखाई दे रही है जो कि उठ सकती है अभी यहाँ से, वो भी त्योहारी सीजन के चलते एक डिमांड पिकअप हो सकती है सरसों के तेल की, और इस वजह से, और अभी सरसों फिलहाल जो है वो काफी कम देखने को मिल रही है, स्टॉक भी कम है, इस वजह से एक बाउंस बैक एक्सपेक्टेड है। अदरवाइज अब कोई लंबी तेजी की तरफ मार्केट नहीं है, वो पहले वाले लेवल्स अभी एक्सपेक्टेड नहीं है, बल्कि गिरावट ज्यादा बढ़ सकती है। और सोयाबीन की बात करें तो बिल्कुल 5500 के नीचे लुढ़कता हुआ दिखाई दे सकता है। जी रूपा जी, जानना चाहेंगे आपसे आज वो कौन सी एग्री कमोडिटीज रहेंगी जिनके अंदर अच्छा मुनाफा कमा के चला जा सकता है? अखिलेश देखिए, ग्वार ही एक ऐसी कमोडिटी अब दिखाई दे रही है जो आज इंट्राडे में आपको प्रॉफिट दे सकती है, आज इसमें वापस से तेजी बन सकती है, तो ग्वार के अंदर आपको खरीदारी में रहना चाहिए। और ग्वार के साथ साथ मसालों में भी नजर रखें, जो भी करेक्शन आए उसमें आप बाय करके चल सकती हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया रूपा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी साझा करने के लिए। तो जैसे कि रूपा जी ने बताया कि ग्वार सबसे अच्छा बेहतर मुनाफा कमाता हुआ नजर आ सकता है, और ग्वार के साथ साथ मसालों में जब नरमी बनती हुई नजर आती है निचले स्तर पर, वहाँ पे मसालों में निचले स्तर पर खरीदारी करके चला जा सकता है रूपा जी के अनुसार, और मुनाफा कमाया जा सकता है। तो फिलहाल सिलसिला बाजार का मैं बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।